भाई कैसे चालू हुई? चला रे बाबू रामलाल चला बिहार हो गया चलो दे चलो रख कौन रे। अरे पूरा रात मता तू चिंता मत कर बैठे रह चुपचाप। अब तो घर से आ गया भाई दरवाजा बंद कर दे दूसर के घर में खुसर नहीं सकस तोला तब सुरेंदु पे से ही काम चलाना पड़ी। आज जत का जन बांचे है ये वही है जिन दूसर की गाड़ी में बैठ के आए वो जाही तो वो जाही कहां जाए भाई। सुरेश अलबेला राजस्थान से है। सुरेश अलबेला जी के जानकारी में डाल रहा हूँ। ब्यावर में एक कवि हुआ करते थे, मेरे मित्र थे सुरेंद्र दुबे, उनका नाम भी सुरेंद्र दुबे था। वो निधन हुई वो दिन मैं मसूरी में रहे और दूसरे दिन मैं आए सूत गए। रमन सिंह जी उस समय मुख्यमंत्री रही से और बिहनिया सो के मैं उठे तो दुआरी में 10-15 जन गमछा धर के खड़े रही नहीं। काबर विकीपीडिया समाचार जारी करे रही थे सुरेंद्र दुबे का निधन अंतिम संस्कार बे में तरा में दरवाजा सब साले गमछा टावेल धरे खड़े में बाहर निकले साल ओढ़ के काय रही सके कक्का निपट गए भैया कक्का निपट गए। मैं कौन किन है? नहीं भैया विकीपीडिया वाले कहा थे कक्का निपट गए बे में तरा में अंतिम संस्कार है वही पता करे वरान मैं साल हटाए देखा दिया जिंदा होनी। अरे ये हाथ के कोकड़ाए ठहाका के परिंदाए टेंशन में मत रही बे बाबू टाइगर अभी मोर बाई लेक जन फोन करी सुनेन कका निपट गए मोर बाई की ऐसा हमार भाग्य कहाँ है बाबू। रात के आए है जिमी कांदा खाए है मुनगा ओकर पसंदीदा है टेंशन में तो मैं हूं के रोगा टाइगर अभी एक जन खड़े रहे कैसे खड़े रहे लकड़ी टाल वाले हो 2 क्विंटल लकड़ी डाल के आए कौन बरही ते बरबे तो जगह कोई दूसर बरही। मैं क्या मैं जिंदा हूं कैसे बरहू बे नहीं तो पैसा कौन भरही तेनी बरबे तो पैसा कौन भरी। मैं के देखत मैं जिंदा हैं हमोला भरे भर कहा था अबे ये हास्य के कोकड़ा है ठाका के परिंदा है टेंशन में मत रही बे टाइगर अभी। तो मैं कहूं मैं कभी मरूंगा नहीं बाल कवि बैरागी जी की पंक्तियां कि मैं कभी मरूंगा नहीं क्योंकि कभी कोई ऐसा काम करूंगा ही नहीं। मैं कभी मरे ये राखी के रक्षा सूत्रे भाई दूज के टीकाए तीजा के कहनीए अरे ओ भाई का मरी जेकर अति ककन बहिनी। कार्यक्रम को देते हैं गति और आइए खेलते हैं कार्यक्रम कौन बनेगा करोड़पति। 1000 बार ये सवाल कंप्यूटर स्क्रीन में। दारू पिए के बाद सबले ज्यादा कौन चीज जरूरी होते? ए गुलाब जामुन, बी रसगुल्ला, सी पेड़ा, डी गोंदली। गोंदली कंप्यूटर जी डी गोंदली को लॉक किया जाए। अरे गोंदली लाख कर देवे बासी संकाला खाबो। बहुत बढ़िया खेल रहे हैं समारू जी आप जीत गए 1000। 5000 के लिए ये रहा सवाल कंप्यूटर स्क्रीन पे। दारू पिए सड़क किनारे परे मनखे मेरन सबले पहली कौन जानवर जाते? दारू पिए सड़क किनारे परे मनखे मेरन सबले पहली कौन जानवर जाते? ए गाय, बी बकरी, सी बैला, डी कुकुर। कुकुर सबले पहली जाते कुकुर वही देखते टुकुर फिर कम दबाव के क्षेत्र बनाते। सांस लेना है ताली बजाओ।
फिर कम दबाव के क्षेत्र बनाते गरज के साथ छीके और मोहल्ला वाले मन कहते साले सही नहीं सके तब तक काबर पीते। आप जीत गए 5,000 ऑफिसर साहब पुलिस के, आप 5,000 जीत गए। सही जवाब आपने दिया। एसपी साहब आपको प्रमोशन करेंगे। आप क्या हो मैं नहीं जानता लेकिन आपको ऊपर उठाएंगे। आप जीत गए 5,000। 10,000 के लिए ये रहा सवाल कंप्यूटर स्क्रीन पे। विपाशा बसु जैन पटकू पहिर थे तेकर लंबाई कत का है, 1 मीटर 75 सेंटीमीटर या 50 सेंटीमीटर? कंप्यूटर जी 50 सेंटीमीटर। कंप्यूटर 50 सेंटीमीटर को लॉक किया जाए। अरे जल्दी लॉक कर नहीं तो कमती हो जाएगी। दोस्तों इस देश में सवाल ही सवाल है, सवाल के जवाब में भी सवाल है। सवाल वही रोटी, सवाल वही कपड़ा, सवाल वही मकान, और जवाब एक नहीं है, नहीं है, नहीं है। कविता खत्म हो गई है, ताली बजा सकते हैं। नई कविता एक आपको रखता हूँ, मंच भी सुने। नए विषय पर लिखा, मंच पर अभी तक उस विषय को किसी ने छुआ नहीं है। एकदम गर्म कविता, भाप निकला थी विधायक जी, एकदम भाप निकला थे, ताजा कविता। ड्रग्स मामला में बॉलीवुड में कौन कौन चुप है? ड्रग्स मामला में बॉलीवुड में कौन कौन चुप है? जनौला है, जवाब आप ला देना है कौन कौन चुप है। मैं सिर्फ इशारा करूं, जनौला कविता है। ड्रग्स मामला में बॉलीवुड में कौन कौन चुप है? ये बात पर सब के धुक धुक है। पहला सवाल, दबंग चुप है? एक साथ बताओ, दबंग चुप है, लगान चुप है, बादशाह चुप है, और तौर शहंशाह चुप है? बॉलीवुड में कौन कौन चुप है? बॉलीवुड में कौन कौन चुप है? टॉयलेट चुप है, टॉयलेट चुप है, नायक चुप है, खलनायक चुप है, और तौर सदी के महान नायक चुप है? बॉलीवुड में कौन कौन चुप है? तीनों खान चुप है। और हम गाते हैं कि दीवाली में अली बसे, राम बसे रमजान, ऐसा होना चाहिए अपना हिंदुस्तान। जिस दिन मंदिर की घंटी से स्वर मिल गया अजान का, रूप बदल जाएगा उस दिन मेरे हिंदुस्तान का। हम कितने धार्मिक आदमी हैं। जेएनयू से आंदोलन उठता है, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। तेरे को इतनी आजादी है कि तू मेरी माँ को गाली देगा? भारत माँ मुर्दाबाद। वो बोलते हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अगर उनको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है तो शिव घाट के किनारे लोरमी की इस पवित्र धरती में 1 मिनट की आजादी मैं भी चाहता हूं। मुझको भी 1 मिनट की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आप लोग दीजिए। मैंने जो जवाब दिया कि मेरा ये फरमान जेएनयू तक पहुंचा दो और जो अफजल की करे पैरवी उनको भी लटका दो, जो अफजल की करे पैरवी उनको भी लटका दो। दारू पर बढ़िया कविता पढ़ी, दारू के साइकिल आज बैठना, दारू की बात करते उठ के जाते थे, तोरे टेस्ट के बात करते थे, भट्टी बंद भी हो गए, कहाँ जाबे रखे इसका गाड़ी में, मोरो पर बचा के रख मन तो कुछ इंतजाम करे नहीं। काय का कहा थे प्रशांत शर्मा, सब कभी एकदम बढ़िया है, दूध पीने वाले, चाय पीने वाले, कॉफी पीने वाले, मैं के बढ़िया बढ़िया कोनो नहीं है साले, ते इंतजाम ही नहीं करे तो का करी, कहा इंतजाम करेगा है। वाइन के साइकोलॉजी विधायक जी, हालांकि आपके दारू से कोई लेना देना नहीं है लेकिन मैं साइकोलॉजी बताता कि जिसे जन पिया रही थे और जेकर पैसा में वो पिए रही थे वो साले पर पूरा बात लफालो करते, जब साइकिल लाई फट मिला नहीं का, वो पियाए हो जा भजिया ले का, फट ले भजिया ले बढ़ जाते और पैसा में पिए
दस बारह पंद्रह साल पुराना बात है, बल्कि ज्यादा ही पुराना हो गया। मैं लोरमी आया रहा हूँ, प्रताप त्रिपाठी, राम रतन जी त्रिपाठी, इमन सब वो रिश्तेदार है, तो यहाँ आए रहे पान ठेलम खड़े रहे 11 बजे रात के, दू जन मंदहा आ गए दरुहा साइकिल धर के। अबे सुरेन दुबे के नाक ये देख, छत्तीसगढ़ के नाक सुरेन दुबे, ते नमस्ते कर दे तू रपिया है। अरे बोला सेक्रेटरी बना ली, नमस्ते करे, नमस्ते भैया, नमस्ते नमस्ते कहा भैया, मैं ना गलती करे, बिल्कुल दारू वाले मन के साइकोलॉजी देखो, भैया मैं गलती करे हूं, ते जूता निकाल, वो बोला तू जूता मार। मैं क्या गलती ते नहीं करे बे, गलती मैं करे हूं जिन 11 बजे गुटखा खाए बरा है, ते तो अपन टाइम आई है भैया, कुछ भी तत्कम कुकुर भूक दी, चुप चुप वाले कुकुर हो के राष्ट्र कवि को भूकता है भैया। मैं कहते देख यार तोला चक गए है, ते घर जा, काबर जाऊं, काबर जाऊं, मैं कह झन जा काबर नहीं जाऊं, ते नमस्ते कर बे तोला पिया है, मैं जाऊं फिर मैं तोला कविता सुनाऊं। तो मैं कह तय मोला कविता सुना बे भैया, शायरी शायरी कलेजा फाड़ के लिखे हूं भैया, कलेजा फाड़ के, मैं कह एटी नहीं हो गए कलेजा बाया साइड में होते, इतनी नहीं ठोक सको भैया, क्वार्टर रखे हैं। इतनी नहीं ठोक सको भैया, इतनी क्वार्टर रखे, मैं क्या चल जल्दी सुना यार, जायबर है नीट पुलिस वाले मन पकड़ी है, रात नहाने का टंकी भरा है पानी से, कलेजा फाड़ के लिखे हूं भैया, नहाने का टंकी भरा है पानी से, हम प्यार करते हैं तेरे जवानी से सुंदरिया। अच्छा हो गए जाओ वंश मोर बोलना, और ते नमस्ते कर बे भैया, थोड़ा पियाए हूं तो बेचारा नमस्ते नमस्ते, ले भाई जल्दी सुना दे दूसरा कहते भैया, मोर टेंशन है भैया, मैं बहुत टेंशन में हूं, बता तो का टेंशन में है, चांदनी रात में छत पे चाउर धो रही थी, कलेजा फाड़ के लिखे हूं, सांस लेना है ताली वाली बजाओ नहीं वो रुक गई, चांदनी रात में छत में चाउर धो रही थी, तेरी याद करके बहुत रो रही थी। ये शायरी लेना मोर बाई सुना थे, फिर मैं सोचता हूँ साले 12 बजे चाउर धोए बर छत में काबर जाते, यही तो टेंशन है भैया। मैं कह हो गए जा, वो समय योगी जी मुख्यमंत्री रही ने, और फसल चक्र परिवर्तन चलत रही से, आखिरी शेर सुना था भैया इसे कहा था, मैं कह सुना, फसल चक्र परिवर्तन ले ऐसे परिवर्तन आई भैया, इससे परिवर्तन आई, जेन केला बोईस तेन कुंदरू पाईस, बोले लगी के शराब में जरूर कोई बात है, तभे वो सच्चाई के अतिक पास है, मोर बिहाव नहीं लगत रही से, तो मोर पिताजी कही तेरे को मार्केटिंग करने नहीं आता है, मैं कह मार्केटिंग के मतलब किस की एक का दो बता, हाई फाई बताया कर, इसे कहा मैं बीएससी पढ़त रहा हूँ समय बेमेतरा साइंस कॉलेज में, बीएससी फर्स्ट ईयर में मैं रहे, सेकंड ईयर में डॉक्टर रमन सिंह रही से, बहुत बढ़िया क्रिकेट खेला है, बहुत बढ़िया बढ़िया बैट्समैन रही वो जमाना में, मतलब आज के 40 साल पहली 50 साल पहली जब क्रिकेट के कोनो क्रेज नहीं रही, हम मन जूनियर रहे भैया, वो बैटिंग करे अच्छा बैट्समैन रही, हम मन ओकर बाल सकेला, मोला जब सीएम बन गए मिली क्यों भाई क्या चल रहा है, मैं कहा वो समय बैटिंग करत है बाल सकते हैं, अब तो हूँ अभी बैटिंग करत में साले किंदर किंदर के बाले सकेला, तो बीएससी करत रहा हूँ, तो बोली अपन गए लड़की देखे पर, तो बहुत ऐसे बैठे रहे थे मन पहली, हम लचकुरहा छत्तीसगढ़ी हमन बड़ा लचकुरहा होते, रिजर्वेशन के टिकट रखे रही ना, तब वो सीट के बाजू में खड़े रहे थे, 16 सीट 16 नंबर मोरे, तोरे तो बैठना बे, छत्तीसगढ़िया लचकुरहा होते बहुत, अब महू ऐसे लचकुरा रहे, टूरी ऐसे बैठे रही, ऐसे बैठे रहे, और ससुर ऐसे बैठे रही जिन बाद में नहीं हुई, अब थोड़ा देर तक एकदम शांत पिन ड्रॉप साइलेंस, ना वो टूरी बोली ना मैं बोले, फिर मैं ही हिम्मत करके बोले,
बहन जी, आप लोग कितने भाई बहन हैं? कि इस तीन रहन रे अब ते आज अबे चार हो जी। अब और ससुर पूछी सी मोर से, कहां तक पढ़े हैं? मैं कह एमएससी। खबर बढ़ाक बताना, बीएससी रहे हो तो एमएससी। अच्छा, प्राइवेट में नौकरी करता? नहीं, सरकारी। बढ़ाक बताना है कि 5,000 तनख्वाह? मैं कि नहीं, 25,000। बढ़ाक बताना है? तत्कम आगे खांसी, बोली खांसी है नहीं टीबी। बढ़ाक बताना है? अब कहां बिहाव लगे बताओ? बिहावे ना लगे, बड़ा दिक्कत रही से। मैं मद्रास में कविता पढ़त रहे हूं। मद्रास मतलब जेकर नाम पहली मद्रास रही से, अब चेन्नई हो गए। चेन्नई मतलब वहां लुंगी पहन थे लोगन, और लुंगी में चैन नहीं हो गए, एकर से थी चेन्नई। सांस लेना है, लंबा सांस लेना है। मैं मद्रास में कविता पढ़त रहे हूं, देखत रहे हूं पन्ना, पब्लिक चिल्लावे अन्ना अन्ना, मोलो लोकल कवि समझत रहे इंसान। मैं आपको सही बात बताता हूं, दुबई में हम कवि सम्मेलन करे लिए रहा, तो ग्रैंड दुबई होटल है, ओकर आगू में खड़े रहे मैं रहे, अरुण जोमनी, अरुण जेमनी रही से, सुनील जोगी रही से, यू में से सुरेश अलबेला वगैरह, ऐसे चार पांच कवि हम रहे हैं। तो एक टूरी इस कार में माइक पे कसम खाका कहा, तो टूरी का चाहे महिला का कुछ का, वो आइस डायरेक्ट मोर मेरन, वो कवि मन छोड़ के मोर मेरन आइस, और आके कहा थे यू आर माई लव। है एक बात नहीं, सीरियसली बोला था, यू आर माई लव मतलब आप मेरे प्यार हैं। ओकर बाद अगला लाइन बोली आई बिलोंग टू अफ्रीका एंड यू आर, मैं अफ्रीका की रहने वाली हूँ, आप कौन देश के रहने वाले? वो टूरी कलर देख के आई से, मैं कह साले कुंडली मिला के तो बहुत देखे हो, कलर मिला के पहली बार देखा तो। तो मोर दोस्त मन कहा थे दुबई में तो और बहुत टीआरपी है। मैं कह बेटा जो माल छत्तीसगढ़ में नहीं खपा वो दुबई में खपा। मैं मद्रास में कविता पढ़त रहे हूँ, मैं वहां गया, अमेरिका गया, अमेरिका के 52 शहर में मैं कविता पढ़े हूँ। डेलस, ह्यूस्टन, ऑस्टिन, राले, ओक्लामा सिटी, नेशविल, कोलंबस, शिकागो, प्रोविडेंस, बोस्टन, 52 शहर में मैं कविता पढ़े हूँ अमेरिका के। और कुछ बचे नहीं, अब जिन बचे तेन गोड़खामी बरोबर छोटे छोटे बचे, बाकी सब बड़े बड़े जगह निपटा के आ गए हमें, अब वो कोनो बराबरी नहीं कर सका। अमेरिका में कविता पढ़ल गए हम, तो केला धर के गेहूँ में, छत्तीसगढ़िया आदमी बिना केला धरे कहूँ नहीं जाए, सगा सोदर माँ केला धर के जाए के हमारे बड़ा पुराना परंपरा है, उकर कारण है। केला आज भी दर्जन में मिलते, पहली भी दर्जन में मिले तरह से। पहली वाले मन हमारे दादा परदादा मन बड़ा पराक्रमी रही से, 8-10 लड़का बच्चा हुआ, अब तो सब साले कोड़िया हो गए, एक एक दूठन होते, तो केला धर के जाए तो केला बांटे में आसान रहे, निकाले ले रे रमटोरा, ले राधे, ले मोहन, ले धर, ले इंस्पेक्टर साहब धर, ऐसे कि धरा है केला ले। अब का है केला धर के क्यों भाई साहब? और मैं का है रोडवेज में अली अहमद बस में सफर करे की आदत, मैं साले कांच खोला हवाई जहाज के, तो वो एयर होस्टेस आगे टूरी, व्हाट यू आर डूइंग, इसे कहा था मैं कि कांच लग खोलूं नो नहीं, इसे काबर, इसे कहा मैं केला का छिलका फेंकना, इसे कहा ये कांच खुलेगा तो प्लेन गिरेगा, इसे कहा तो छिलकल कैसे करूं, रखे रहो मैं आती हूँ, पॉलीथीन धर के इसमें डाल दो इसे, तो मैं पूछे छेरी पाले हंसता, मतलब छत्तीसगढ़ी आदमी कितना भोला होते सोचो। बाद में मैं सीख गया अमेरिका जा जाके, नहीं तो साले वो तरीके नहीं मालूम जिसे का खाना है का, मैं तो पिज्जा बर्गर चाउमीन ये मतलब कोनो दवाई ऐसे समझते रहे बाद में जाने। अरे भाई का है भाई, अपन ठेठरी खुरमी बरी बिजोरी फरा चीला चौसेला खाने वाला आदमी छत्तीसगढ़िया। और मैं आप लोग के सामने एक दावा करता हूँ, मैं विश्व के 11 देश में गया हूँ, और पूरा विश्वास और दावे के साथ कहता हूँ कि सबसे बढ़िया देश हिंदुस्तान है और सबसे बढ़िया राज्य छत्तीसगढ़ है। काबर वहां तक कोनो पूछबे ना, ककरो पास टाइम नहीं है बताए, बर भैया ये पतल बताते यार, ये पतल
नो ठेन गा गा इसी के हमारे यहाँ देख छत्तीसगढ़ में पूछबे काकर रामलाल उकर घर जाही घर तक पहुंचा का ही काबर कर घर में जवान टूरी पहुंचा लीजिए घर तक ऐसे थोड़ी जात रिवार्ड है होकर पास बोला पेमेंट मिलत है तो जाही गणेशिया देख तो तोर घर में कौन सगा है गणेशिया कहाँ है सगा अरे ये मेरा तो रीस कहाँ चल दी इतना बोला आदमी कभी डायरेक्ट गलत नहीं बोलता भाई साहब वो फ्लो में गलत बोलता है किसी को इंटेंशन गलत नहीं बोलता है ककरो घर जाही ओकर लैकल देखी बोला 25-50 रुपया धरा देते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में रिवाज है आज मेरा 10-20 रुपया इसे धरा दी तो बोली ओकर बाप बोली नहीं नहीं यार गलत बात बच्चे पैसा मत वाह तोरे लिखा है मोर कुछ नहीं है साले 10 रुपया में कॉपीराइट खराब कर दी ककरो घर जाई ओकर बाइबर कुछ ले जा ली वैनिटी बॉक्स ज्वेलरी लिपस्टिक वगैरह कुछ इसे ले जा ली ये मत किया करो गलत बात आप चुप रहिए आप चुप रहिए मेरे और भाभी का अलग मामला है साले का अलग मामला है यार मतलब आदमी इंटेंशन नहीं है पर फ्लो में गलत बोलते साले मरघट्टी में जाइए ना तो बिल्कुल एकदम वो महान रायचंद बन जाते मोटा लकड़ी लाया छाती के ऊपर रख लंबा गोड़ में लमा आदमी इंटेंशन नहीं रहे फ्लो में गलत बोलते मद्रास में कविता पढ़त रहे हूँ देखत रहे हूँ पन्ना पब्लिक चिल्ला वे अन्ना अन्ना में के दिमाग के खड़िया बोला मद्रासी समझता नहीं जानस मैं छत्तीसगढ़िया मैं भगवान ले करे फरियाद मैं तो सुरेश अलबेला के साथ प्रोग्राम करे गए दुबई 7-8 दिन हम एक संग रहेंगे रोज धमकी दे दुबई सरजा अबू धाबी मस्कट ओमान सब जगह कविता रोज एक है मेरे से भैया आप ठीक से बात क्या करो मैं ब्लैक बेल्ट हूँ इसे कहा एक दिन दो दिन तो मैं सुने तो हम और अंदर के कालक तो जाग गए मैं कह तेरा तो बेल्टी ब्लैक है यहाँ तो साला थ्रू आउट ते का बराबरी कर बे हमारे छत्तीसगढ़िया आदमी से सीधा सरल कोई नहीं होवे लेकिन हम शांत हैं तो भारत और भड़क गए तो महाभारत छत्तीसगढ़िया को हल्के में मत लो डीएस मिश्रा सेक्रेटरी रही से अभी भी अब तो रिटायर हो गए मैं ऊपर से छत्तीसगढ़ी में गोठिया हूँ भैया एक दिन डॉक्टर अमन सिंह बोले कि छत्तीसगढ़ी में क्यों बात करते हैं उससे वो उड़िया है वो छत्तीसगढ़ी नहीं समझता मैं कह छत्तीसगढ़ी नहीं समझे गोठिया था काबर मैं गाड़ी दे में आसानी रही थी भाई हम तो बीच के रास्ता निकाल रहे थे ना छत्तीसगढ़िया वे काली परसों राजनांदगांव में कार्यक्रम रही से कुमार विश्वास हो मेरे कुमार विश्वास सर मुला चिढ़ाते हुए बोली अच्छे दिन आएंगे ऐसा बोलते हैं दुबे जी ऐसे में हाँ छत्तीसगढ़िया लोग अच्छे दिन को अच्छा दिन मानते हैं हम 1 किलो भट्टा लाने बाई हरोला काटी हसिया में पोलिस और कहीं पूरा भट्टा बढ़िया निकल गया अच्छा दिन आ गया जी पूरा भट्टा बढ़िया निकल गया हमारे संतोष देखो कितना छोटे छोटे में और अच्छा दिन आ जाते लाइट गीज फट ले आ गया अरे बहुत अच्छा दिन चला थे जी 10 मिनट बंद हुई लाइट आ गया हमारे संतोष वाले हैं ना संतोष करता दो लड़का हो गए संतोष कौन मेहनत कर रहा तीसरा काबर कर मैं मद्रास में कविता पढ़त रहे हूँ देखत रहे हूँ पन्ना पब्लिक चिल्लाए अन्ना अन्ना मैं के दिमाग के खड़िया मतलब मद्रासी समझता नहीं जानस मैं और छत्तीसगढ़िया में भगवान ले करे फरियाद कैसे का भगवान तू भगवान होके कर दे भाई भतीजावाद ये मतलब गोरिया कर दे मुला कर दे कथा भगवान होके दे दे गच्चा भगवान की का करो का करो दक्षिण भारत से आदमी बनाए बर शुरू करें उत्तर भारत से आदमी बनाए बर शुरू करें बनावट बनावट दक्षिण पहुंचे सबो रंग सिरा गया बैकग्राउंड कलर बचे सुहीन मार दे मैं के ज्यादा बात मत कर चल हर जाना भर भगवान की वही करत हूँ दिमाग बांटना है दक्षिण शुरू करत हूँ दिमाग बांटत बांटत भगवान पंजाब पहुंची दिमाग सीधा गया भैया मन गुस्सा गया कि दिमाग का कोनो काम नहीं तुम देश के लिए लड़ो नाम अमर करो फिर मोर प्रॉब्लम तो खड़े के खड़े रही गए मैं साले दुबई गए रहा तो बीच में लेके ट्रोमन बोला कवि मन संग चलो समुद्र का बीच घूम के आएंगे इसे की वहां देखे सब जन क्रीम लगा लगा के चश्मा लगा के छोटे छोटे कपड़ा पहन के सूते रहे धूप स्नान करते रहे
मोरो मन में इच्छा हुई छत्तीसगढ़िया आदमी कभी कभी लालच में आ जाते, मोर बड़े रही से कपड़ा पर एकदम छोटे नहीं रही से, मऊ सूद गयो क्रीम रीम चुपर के साले कौआ झूम के सब पूरा कौआ झूम गए, मैं डर गया साले ते कौआ कैसे झूम गए, पक्षी वैज्ञानिक घूमत रहा है, मैं उकर से पूछ के बोले ये सब कैसे घूम रहे से की? बोले ये लोग बोल रहे हैं कि हमारा देवता मर गया, साले ऐसे पीछे पड़ते बताओ। हमन अमेरिका जात रहन ये सब दिन रही सुरेश बेला रही सोमा और कवित्री रही ने अचानक अनाउंस हुई मौसम खराब है कमर के पट्टियां बांध ले प्लेन गिर सकता है, ये मन सब डॉलर गिनत रहे हैं, कवित्री मंजेवर जट्टर रुमाल में बांधत रहे हैं, मैं कर क्या रहे हो कि इस प्लेन गिरेगा तो हमको लोग लालच में ढूंढेंगे हमको बचाएंगे, मैं कह प्लेन गिरेगा तुमको कोई नहीं खोजेगा, सबसे पहले लोग मेरे को खोजेंगे। इस आपको क्यों खोजेंगे? मैं कह मालूम है प्लेन गिरता है सबसे पहले ब्लैक बॉक्स खोजा जाता है। ताली बजाओ, सांस लेना है। हम और बिहाव के प्रॉब्लम खड़े रहे, जेन सगाए तेन कहे बिहाव मर जाते फिर रंगे हाड़े आते, मोर दाई कहे बिहाव ल कर दो सगा तह रंग फरिया जे, तो सगमन कहे दुबईन तोरो आइडिया है बहुत बढ़िया, फिर छत तक कपड़ा धो डाल करिया करिया, मैं दाई दद तक भरोसा में रहूं तो मैं बरन हो जाऊं, मैं खुदे अपन प्यार के गरीब फेंके अब एक ठन कम दिमाग के भूखी टुरील छेके, मैं खुदे अपन प्यार के गरीब फेंके अब एक ठन कम दिमाग के भूखी टुरील छेके, उहु मोर प्यार में बोहा गे गुलाब जामुन रसगुल्ला समझ के खा गया। ब्याह के बाद मुहूर्त निकली सवारे मुहूर्त अमावस की रात, करिया घोड़ी में दूल्हा बन के जाता रहा, टिक 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 बिजली बुता गए, सब जन कहा थे दूल्हा गंवा गए दूल्हा गंवा गए, एक जन डोकरी कहा थे वो जो पटरी कोट हालत है तेरे खाले में दूल्हा जैसे लागत, मैं गुसिया के डॉक्टर में बन गया कैसनो करके गोरिया करके देखा, डॉक्टर क्षण साबुन दी जा छह महीने रगड़ के नहा, मैं साल भर नहा मैं नहीं गोरिया साबुन करिया गया। ब्याह के बाद अपन ससुराल गए बाइल लेबर, अपन ससुराल जाथन से दिन केरा धर के जाथन जी, महू केरा धर के गे रहा हूं, आज बेरा मोर सास हर तिलक लगा 25 रुपया देत रहे मुझे, तो मुझे लगी साले अतेक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय कवि मंत्रालय के ओएसडी और साले 25 रुपया देते, मोर सारी कहा धर लो जीजा जी एक दर्जन केरा लाने रहे हो, सांस लेना है। मैं अपन ससुराल गया तो मोर सास कहा थे बने आगे बाबू दो चार दिन रुको भैंसी है पाओ दू पाओ दूध दी, साले ओकर टेक्नोलॉजी मोर समझ में नहीं आई, मोर रहे ले भैंसी किसे दूध दी, ओकर पड़वा गांव आगे है बाबू तोला देखी पाओ दू पाओ दूध तो दी, लंबा सांस लेना है। दूध तो दी अपन बाई लेबर ससुराल गए खा पीक बने सूते रहे बिजली बुता गए वत के बेरा भैंसी पड़वा गवा गए, मोर सास खोजत खोजत आई मोला धरी सो चिचियाई पड़वा मिल गए पड़वा मिल गए, मैं कहूं मैं पड़वा नो हूं मैं तो दमांद हूं कि हाय भगवान दमांद ला ये मेरन पाए हो तो मेरन खटियम काला सूता आए हो, हाय भगवान दमाद ले ए मेरन पाए तो मेरन खटिया में काला सुताए हो, तुम मन हासत हो जी का जानू ये कविता ला कैसे बनाए हैं, अरे कई रात रोए हो तब आपला हंसाए हो, कई रात रोए हो तब आपला हंसाए हो, काबर मैं ही कालिदास हूँ मैं ही चाणक्य हूँ मैं ही नेल्सन मंडेला हूँ मैं ही मार्टिन लूथर किंग हूँ मैं ही छत्तीसगढ़िया हूँ, ये सबो जन करिया हैं लेकिन आदमी बहुत बढ़िया है, छत्तीसगढ़िया छत्तीसगढ़िया। अमेरिका के शिकागो में अब छत्तीसगढ़ एसोसिएशन बन चुके हैं, नाचा नॉर्थ अमेरिका छत्तीसगढ़ एसोसिएशन जेकर डॉक्टर गणेश कर अध्यक्ष है और दीपाली कर जेकर सचिव है, ओकर पहला सम्मेलन में
मैं शिकागो के रहे हूँ, डॉक्टर सॉरी भूपेश बघेल जी लभी जाना रही से, पर उकर माता जी के निधन हो गए रही से तो नहीं गई। मैं अकेला गे रहे हूँ कार्यक्रम में। हमारे पर गर्व के बात है कि जिन हमारे यूएस में छत्तीसगढ़िया रहा थे उमन छत्तीसगढ़ एसोसिएशन बना के हमारे भाषा उ संस्कार ला अमेरिका में और इंग्लैंड में बगरा थे। एक बार हम उकर बार एक बार ताली बजा सकते हैं। हो गए कत कत देर के करार करे रहे नहीं, नहीं, रात भर के मैं साले कोनो अनारकली हो तुम सहा जाओ चलन दे चलन दे। भाई साहब को जाना है, टाइम हो गया है। बस्तर ठीक है। एक कविता का आदेश हुआ है मेरे, चूंकि मंच में मेरे कवि हैं, मेरे छोटे भाई हैं। मैंने कवि सम्मेलन की दुनिया में 40 साल जिया है। मैं 1990 में मंच पर आया था, 1980 में मंच पे आया था और आज 2021 तक आप लोगों का प्यार मिलता रहा। सुरेंद्र दुबे किसी कवि का नाम नहीं है, ये छत्तीसगढ़ की 2.5 करोड़ जनता का प्यार है, इसलिए मैं आपका अभिवादन करता हूँ। और बस 8 पंक्तियां पढ़ता हूँ कि छत दरो दीवार से कोई घर घर नहीं होता, जिस घर में बुजुर्ग नहीं होते वो घर कभी घर नहीं होता। मैं आप लोगों को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ कि आपने मुझे सुना, मुझे प्यार दिया। सच्चा है अपना प्यार तो फिर किस जहाँ का डर, गुल बन कर गुलिस्ता में फिर से खिलेंगे हम। अब बिछड़ रहे हैं तो कोई रंज मत करो, अगली बहार आएगी फिर से मिलेंगे। जहाँ एक बार दोनों हाथ उठा के 3 बार ताली बजा दें ताकि लगे कवि सम्मेलन आपको अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। एक मेट्रो सेवन के आदमी